इसराइल यात्रा से पहले ईरान अमेरिका में टेंशन। यूक्रेन से जंग के बीच रूस को ड्रोन देगा ईरान, आर्म्ड अनआर्म्ड दोनों तरह के ड्रोन देगा ईरान। अमेरिका ने कहा ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। चतुर्वेदी सर, अगर ये ड्रोन मिलते हैं रूस तो रूस का जो ओवरऑल सिनेरियो है अभी तक वॉर सिनेरियो, उसमें कितना फर्क पड़ेगा? और ईरान की टेक्नोलॉजी ड्रोन के मामले में कितनी उन्नत है? मैं जो कहना चाहता हूं दिनेश, एज फार एज यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में है, रूस ने तकरीबन जो उसका मिलिट्री एम है वो अचीव कर लिया है, तो उसको अब ये ड्रोन और ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जेलेंस्की यूक्रेन को अब अपने जो डिफेंस है, जो उन्होंने अपनी टेरिटरी को लूज़ किया है, उसके अलावा अपने सिपाहियों को, अपने इक्विपमेंट को, उसके लिए उनको ज़रूरत है। तो ड्रोन रशिया के पास काफ़ी अच्छे ड्रोन हैं, एटलीस्ट अगर ईरान समझता है कि बहुत अच्छे हैं, और अमेरिका ऑफ कोर्स द ड्रोन्स दे हैव गॉट इज बेटर, बट द सर्वेलेंस सिस्टम एंड अटैक जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, आई थिंक इसराइल हैज गॉट बेटर। एंड वन विल हैव टू सी कि किस तरह से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। बट रूस को आज मैं ये कह सकता हूं कि किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, और कम से कम युद्ध के इस पड़ाव पर आकर तो ड्रोन के बारे में ईरान से नहीं सोचेगा। लेकिन गोयल साहब की टिप्पणी इस पर जरूर चाहूंगा। कूटनीतिक लिहाज से ये यात्राएं कितनी अहम है, लेकिन